स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट। गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र प्रयागराज जनपद ने करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न बड़ी कंपनियों का फर्जी वेबसाइट बनाकर आम जनमानस को लोन देने, फ्रेंचाइजी देने तथा किसानों को सोलर लाइट, सोलर पंप जैसी सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करते थे। साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र प्रयागराज जनपद प्रयागराज ने फर्जी वेबसाइट बनाकर फ्रेंचाइजों देने के नाम पर ठगी करने की घटना में प्रकरण की गंभीरता के से लेते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश लगातार की जा रही है। इसका खुलासा आज साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र प्रयागराज सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर IG डॉक्टर राकेश सिंह ने किया। अभियुक्तों के पास 2 जियो वाईफाई, 3 अदद लैपटॉप चार्जर सहित 10 अदद मोबाइल फोन, 1 अदद पासपोर्ट, चेक, 6 चेकबुक, 4 पासबुक, 26 ATM कार्ड, विभिन्न बैंकों के 6 आधार कार्ड, 3 वोटर ID कार्ड, 7 पैन कार्ड, 7 सिम कार्ड, 6 मोहर, 1 पेन ड्राइव, सोनी 4 GB बरामद किया गया है। साथ ही 17,39,000 की साइबर ठगी में वादी के खातों में पूर्व में ही 8,39,000 रुपए वापस कराए गए तथा अभियुक्तों के खातों में लगभग 10 लाख रुपए की धनराशि फ्रिज कराई गई है। साइबर थाना प्रयागराज ने एक बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें पिछले वर्ष 21 में 2 मुकदमे कायम हुए थे, जिसमें 17 लाख की ठगी हुई थी। इसमें 8 लाख रुपए इन्होंने फ्रीज करके रोक भी लिया था। इसमें फ्रेंचाइजी विभिन्न गूगल्स पर तमाम वेबसाइट देखते हुए तो वेबसाइट की जो है वो मिलती जुलती वेबसाइट बना करके ये फ्रेंचाइजी देने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने मदर डेयरी और इनफील्ड, जावा, तमाम कंपनियों के और सरकारी भारत सरकार की योजनाओं का भी इसको भी पहले अध्ययन करते हैं। वेबसाइट का अध्ययन के बाद ये इसको उसमें जो उसके तरीके हैं वो सीखते हैं। जैसे मदर डेयरी का इन्होंने अगर करना है तो वो बताएँगे मदर डेयरी का, आपको जैसे कोई वेबसाइट खोलेगा तो मदर डेयरी नाम से उसमें दिखाई देगा और वो उस पर जैसे ये उसको ऊपर करा देते हैं तो उसको खोलते हैं तो उसमें मदर डेयरी की जो आवश्यकताएं होती है बताया जाएगा कि इसमें आपको अपना ये चीज़ फॉर्म भरना है, फॉर्म साथ ये फॉर्मेलिटीज करनी है। फॉर्मेलिटी के बाद ये कहते हैं हमारा ये जो है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जा रहा है। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में वेरीफाई कर कुछ दिन बाद बताएँ कि आपका वेरीफाई हो गया है, अब आपको ये माल मिलने वाला है, ये जानने वाला है, आपका की शॉप तैयार है, वो स्टोर तैयार है, उतना पैसा जो है वो उससे जमा कराते हैं। उसके बाद फिर वेबसाइट को फिर गायब हो जाती है, फिर वो आदमी ठग जाता है। इस तरह से इन्होंने जो है करीब पूरा ये अभी 4-3 लोगों का गैंग पकड़ा गया है। ये काफ़ी दिनों से पूरे भारत में 17 मुकदमे लोगों के खिलाफ भी कायम है। सरकारी योजनाओं को लेकर भी भारत सरकार की कुसुम योजना या जो भी इस तरह की योजना है उन योजनाओं में का ये तरीका है कि उसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि उसमें क्या मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और उनके बिल्कुल और जो उनकी रिक्वायरमेंट या कम कहीं दुकान के शॉप के लिए कमरे चाहिए, स्टोर क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो जो फ्रेंचाइजी लेने वाला था सोचता है ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हो रही हैं और उसी तरीके सही तरीका समझते हुए आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ जाता है उसको किसी नाम से कि इसमें आप इतना जमा कर दीजिए, 25% जमा कर दीजिए तो आपको 4 लाख माल भेजा जाएगा। इसमें ये जो इनके सिम कार्ड मिले हैं इसमें SSP कोलकाता नाम से सेव कर रखा था, तो पहले हमारी टीम को लगा कि SSP कोलकाता क्या मैटर है इसमें, लेकिन इन्होंने इस तरह से अपने बचाने के लिए इस तरह बना जैसे सिम कार्ड पर ट्रू कॉलर में इस तरह लगाते हैं जिसे आदमी समझ ना पाए। हाँ, ये लोग जो है इसमें MCA किया है और BTEC है और ये जो भुवनेश्वर से और इंदौर से ये लोग पढ़े लिखे हैं और इन्हों जो है इनको ये काम का तरीका मालूम था और इनके इनको इस काम के तरीके में आप कहीं से नहीं कह सकते कि ये जो कोई फर्जी वेबसाइट है, इसी से लोग यहाँ से आ जाते हैं। और इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज करें? इनके अभी तक जो है 2 तो यहाँ दर्ज हैं, बाकी अभी तक 15 मुकदमे विभिन्न राज्यों में कायम है, जैसे तेलंगाना में भी है। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या है कि इन्होंने जो है 10-12-15 वेबसाइट चला रहे थे जिसमें भी तमाम लोग आते थे, इनके वो काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक, कितना बड़ा गैंग हो सकता है, कितने सदस्य इसमें? अभी इसमें कई टुकड़े इनके हैं, वो अलग अलग करके एक टीम बना काम करते थे, इसके फिर 5-6 लोग काम शुरू करते थे फिर वो अलग टीम बना लेते थे। इस तरह से पूरा गांव है बिहार में, उस तरह गांव के ही लोग सारा काम करते हैं। गैंग के ही लोग वेबसाइट डेवलप कराते हैं, उन्होंने किसी कंपनी भी सेट कर रखा है कि वो बता देंगे वो फलाना का करना है, बजाज फाइनेंस का करना है या जिसका भी करना, तो वो जिस पर ये काम करते थे वो डेवलप करा करके उसको लॉन्च कर देते थे। लॉन्च करने के बाद काम शुरू हो जाता था, जैसे ही कोई एक भी केस 2 केस हुआ फिर वो वेबसाइट बंद कर देते थे।